दिवाली के समय पे मिठाइयाँ और विशेष प्रकार के पकवान घर में बनते हैं, तो आपको मैं ये भी नहीं बोलूंगा। नमस्कार दोस्तों, प्रेगनेंसी लाइफ एंड यू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 23 अक्टूबर को छोटी दिवाली है और मुख्य रूप में दिवाली जो कि मेन दिवाली है वो 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। दिवाली खुशियों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है, सब जगह हर्ष उल्लास का त्यौहार है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय पर गर्भवती महिला कुछ ऐसी गलतियां कर सकती है जिससे इस त्यौहार में खटास उत्पन्न हो सकती है। तो इस वीडियो में आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि दिवाली के उपलक्ष्य में आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है। दिवाली की शुरुआत होती है घर की साफ सफाई से, और इसमें चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो और बच्चे, वो और ही ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। आप अगर गर्भवती हैं तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि आपको कोई भी भारी वस्तु नहीं उठानी है। कई बार हम सफाई करने के लिए सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हैं, हर जगह की हम अपने घर की सफाई करना चाहते हैं। तो मैं गर्भवतियों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि अति उत्साहित ना हो, बहुत भारी भरकम आप चीजें ना उठाएं, ऐसी जगह पे ना चढ़े जहाँ पे आपके फिसलने का गिरने का भय बना हो। आप कोशिश ये करें कि आप मैक्सिमम काम औरों से करवाएं, यानी कि आपको डायरेक्शंस में आ जाना चाहिए, आपको डायरेक्शन देनी चाहिए, और जो फिजिकल वर्क है वो आप किसी और को करने दें। केमिकल्स का प्रयोग भी बहुत ज्यादा इस समय पे होता है। लोग अपने घर की साफ सफाई चीजों को केमिकल से साफ करना चाहते हैं। कई लोग इस समय पे अपने घर की पेंटिंग्स भी करवा रहे हो, और ये दोनों ही चीज आपके लिए सही नहीं है। आप केमिकल्स से दूर रहें। अगर आपके घर में पेंटिंग का कार्य इस समय पे चलने वाला है तो कोशिश करें कि इसको स्थगित करवाएं। प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद आप अगर पेंटिंग करवाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पेंटिंग होने से आपको कई बार सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। घर का पूरा जो एनवायरमेंट है वो उस पेंटिंग के स्मेल से बिल्कुल अलग हो जाता है। आप इस समय पे हर तरीके की स्मेल को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, और ये स्मेल आपको कहीं ना कहीं पे परेशान कर सकती है, जिससे कि आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपका सर दर्द हो सकता है। प्रेग्नेंट है वैसे ही आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस समय पर लगी हुई हैं, तो कुछ प्रॉब्लम कम करने के लिए इस तरीके के सभी कार्यों को आप स्थगित कर दें। दिवाली के त्यौहार में लोग एक दूसरों के घर जाते हैं, और आपकी ये कोशिश रहती है कि आप किसी के घर जाएं या कोई भी आपके घर आए तो आप अच्छे दिख रहे हो। तो उसके लिए डेफिनेटली कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि ब्यूटी पार्लर जरूर जाती हैं, और ब्यूटी पार्लर में इस समय पे इतना ज्यादा क्राउड होता है तो आपके लिए ज्यादा क्राउड भी सही नहीं है, ऐसी जगह को आप अवॉइड करें। फिर जो ब्यूटी पार्लर में केमिकल्स यूज होते हैं वो भी कहीं ना कहीं पे आपके लिए सही नहीं होते हैं, तो इसीलिए कोशिश करें कि प्रेगनेंसी के दौरान आप इस तरीके की जगह जाना अवॉइड करें। दिवाली के समय पे मिठाइयाँ और विशेष प्रकार के पकवान घर में बनते हैं, तो आपको मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। हालांकि आपको ये समझ जाना चाहिए कि प्रेगनेंसी में आपको मीठा जितना कम हो सके उतना मीठा आपको खाना चाहिए। इस समय पे आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई रहने के चांसेस होते हैं, और इससे आपको वेट गेन तो होगा ही, बच्चे का भी वेट बहुत ज्यादा गेन हो जाता है, जिससे कि फिर आपको आगे चल के नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी होती है। तो आप इस चीज में नियंत्रण रखें कि आप अत्यधिक मिठाइयों का सेवन ना करें। उसी तरीके से तैलीय चीजें जैसे कि पूरी पकौड़ी, ये भी काफी हद तक खाई जाती है, और इसके अतिरिक्त कई बार क्या होता है कि मदिरा पान का सेवन भी होता है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है, आपके बच्चे के लिए हानिकारक होती है, और मिठाइयों पे और भोजन पे भी आपको नियंत्रण रखना है। पटाखे अगर आप जला रहे हैं तो ये भी आपके लिए सही नहीं है। पटाखे का जो धुआं होता है ये भी कहीं ना कहीं पे आपको असहज महसूस करवा सकता है, और जिससे कि आपको कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, जो कि और किसी को होना हो लेकिन आप प्रेग्नेंट हैं तो आप ज्यादा सेंसिटिव हैं, तो आपकी परेशानी डेफिनेटली इससे बढ़ सकती है। तो पटाखों से वैसे भी दूर रहें, आप इस समय पे डिसबैलेंस भी हो सकती हैं, कहीं गिर सकती हैं। पटाखे जलाते हुए बहुत ज्यादा एक्टिव रहने की आवश्यकता होती है, और इस समय पे आपका जो बॉडी बैलेंस है वो आपको कहीं ना कहीं पे कन्वीनियंट महसूस नहीं करवा रहा होता है, तो इसीलिए आप इस दिवाली में ये सब कार्य करने से बचे। तो दोस्तों, ये खुशियों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है, हर्ष उल्लास का त्यौहार है, तो इस त्यौहार को आप अच्छे तरीके से मनाएं। इन बातों का ख्याल रखें, आपकी दिवाली भी अच्छी रहेगी, प्रेगनेंसी भी अच्छी रहेगी, और बच्चे का स्वास्थ्य भी गर्भ में अच्छा रहेगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं आपके पास तो आप हमसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक फ्लैश हो रहा है और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।